यार ये समझ में नहीं आ रही। ये मैंने बना लिया फ्लावर, हमने ये तो मैंने बना लिया है अपने चैप्टर टू का। ये अग्रोइंग प्लांट, अभी अग्रोइंग प्लांट इधर लिखना है। अब मैं ये नहीं चाहती कि जो कलर इधर यूज हुए हैं वो दोबारा से यूज हुए, तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं प्लांट कैसे लिखूं इधर, ग्रोइंग प्लांट। आइडिया आ गया गाइस, मुझे जब एक ग्रे कलर का पेंट बनाना आता है तो मैं इतना टेंशन में क्यों हो रही हूँ यार। गाइस, तो मुझे आता है ग्रे कलर बनाना, और आप ये नहीं सोच लेना कि मैंने किसी यूट्यूब से देखा है। वादा कर रही हूँ, मैंने कोई यूट्यूब से नहीं देखा ये ग्रे कलर बनाते हैं। नहीं देखे, अभी मुझे ग्रे कलर बनाना है अपना ये प्लांट्स लिखने के लिए। तो मुझे कौन कौन से कलर्स की पेंट कलर की जरूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो वाइट, दूसरा येलो, सही क्या है, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, रेड, ब्लू, ये पिंक। ये मुझे तो लग रहा है ब्लू कलर को ऐसे मारू, ऐसे मारू, इसराइल के झंडे का रंग है ना इसकी। तो गाइस, पहले तो आपने ग्रे कलर बनाने के लिए डब्बी तो चाहिए, ग्रे कलर बनाएंगे तो रखेगी इसमें। चले गाइस, अभी हम ग्रे कलर बनाते हैं। अच्छा, तो गाइस अभी हमने छोटी सी एक डब्बी लेनी है जिसमें थोड़ा सा तो पानी हमने लेना है जो मैंने इसके अंदर भर दिया है। तो ये जो कलर्स बताए थे हमने ना इसके अंदर डालना है। पहले हम पिंक कलर डालते हैं। गाइस, हमारा ये ग्रे कलर बन गया है। अभी हम इधर प्लांट लिख रहे थे, आपने सिर्फ इन्हीं कलर्स का यूज करना। और ये अभी थोड़ा सा पानी मैंने डाला था, आप लोग इतना फुल कर लेना। लिखी मैंने याद की थी, भूल गई। PLANT।
आज हमने इधर लिख लिया है आ ग्रोइंग प्लांट। अभी मैं आपको ये जो मैंने पूरा बनाया है वो आपको दिखाती हूँ।